आपका क्या नाम है? मेरा नाम हसन जैद। तो आप अफगानी हो? नहीं, पठान। पठानो और अफगानी बोटी लगा रहे हो यहाँ पर? दोस्तों ये है आप सबके लिए न्यू ईयर के लिए बिल्कुल न्यू पार्टी प्लेटर। इस जंबो साइज प्लेटर में आपको मिलते हैं इतने सारे आइटम कि आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आके पूरी पार्टी कर सकते हैं, क्योंकि इस प्लेटर में आपको मिलता है बहुत ही सिजलिंग और स्पाइसी शिनवारी हाईवे कढ़ाई, साथ में जबरदस्त फ्लेवर वाले अफगानी राइस के साथ आपको मिलेंगे चपटी कबाब, चिकन टिक्का और अफगानी बोटी भी, और इन्हीं आइटम के साथ आपको मिलता है पूरी पराठा भी, मतलब फुल पार्टी माहौल बनने वाला है। और यही नहीं बल्कि इतने सारे आइटम की प्राइस बहुत ही कम है। ये जंबो साइज बिग प्लेटर आपको दे रहा है मदीना रेस्टोरेंट। तो फिर इस रेस्टोरेंट की लोकेशन और इस प्लेटर के प्राइस जानिए आगे वीडियो में, क्योंकि साल के आखिर में पार्टी करना तो बनता है। तो दोस्तों अब कराची में एक बिल्कुल न्यू प्लेटर आ चुकी है, जो कि मदीना रेस्टोरेंट ने खास तौर पे लॉन्च करी है कराची वालों के लिए साल के आखिर में सर्दी के मौसम में। और उसमें जो आइटम आपको मिलेंगे वो भी काफी ज्यादा मजेदार और जबरदस्त किस्म के होने वाले, काफी यूनिक है। तो हम फर्स्ट टाइम इसको टेस्ट करने के लिए आए हैं और इसको टेस्ट करके आपको बताएंगे कि आप इधर आए तो आपको कैसा लगेगा, इनका जायका कैसा लगेगा, प्लेटर की प्राइस क्या है, सब बताऊंगा। आए मेरे साथ, आपके पास कौन कौन सा बारबेक्यू मौजूद होते हैं? हमारे पास सर मलई बोटी है, चिकन बिहारी है, बीफ बिहारी है, चिकन टिक्का चरसी है, रेगुलर टिक्का है। इसके अलावा हमारे पास शेर चटक बोटी है, चीजी बोटी है और अदना कबाब है। अच्छा, मतलब फुल वैरायटी लेकर आ गए हैं, जो कि कहीं किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिलती, वो सारे आइटम आपके पास मिलते हैं। जी जी। सबसे ज़्यादा लोग कौन सी आके बारबेक्यू पसंद करते हैं? हमारे पास तो अदना कबाब है, तुर्किश अदना कबाब प्लेटर भी है, मदीना सिग्नेचर प्लेटर, और इसके अलावा मलई बोटी भी हमारा स्पेशल है। ये है सिजलिंग कबाब मदीना रेस्टोरेंट का, जो कि तैयार किया जा रहा है और कोयलों पे तैयार हो रहा है। मैंने इससे पहले किसी भी रेस्टोरेंट पे नहीं देखा, जो कि आपको मिल रहा है मदीना रेस्टोरेंट पे। ये सिजलिंग कबाब मदीना रेस्टोरेंट पे इतने यूनिक तरीके से बना रहे हैं, दिखने में इतना अच्छा लग रहा है तो खाने में कितना मजा आएगा। यार इसकी प्राइस क्या है? इसका प्राइस है सर 700 रुपये। सही है, इसमें एक प्लेट सीख कबाब भी जाएगा, बाकी सॉस वगैरह सब कुछ 700 रुपये में आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं इनका सिजलिंग कबाब इतना जबरदस्त लग रहा है, इतना जबरदस्त और जूसी किस्म का सिजलिंग कबाब आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये में। क्या मिलता है आजकल कराची में 700 रुपये में? ज़्यादा शाहिद अफरीदी डेढ़ घाट पेन यमा और शाहिद अफरीदी चपली कबाब डेढ़ को खाई ज़्यादा चपली कबाब पको। तो दोस्तों मदीना रहने एक खास बात ये थी कि आपके यहाँ पे जितने भी ट्रेडिशनल खाने वो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा यहाँ पे आप तैयार किए जा रहे हैं बिल्कुल मेरे सामने गर्मा गर्म से चपली कबाब। अभी बोला ये जो इस चपली कबाब का मटेरियल होता है ये कौन सा बना हुआ होता है, क्या कौन सा मसाले इसमें? ये बीफ का गोश्त होता है इसमें। अच्छा। इसमें होता है अनारदाना वगैरह, मेथी दाना वगैरह और साबत लाल मिर्ची होती है। मतलब ये जो प्लेटर है काफी यूनिक है, मैंने नहीं देखा कि इससे पहले किसी भी आपको स्पेशल प्लेटर में चपली कबाब भी दिए जा रहे होंगे। यार हबीबुल्लाह ये जो ऊपर सीढ़ियां मार रहे हैं इसमें क्या तैयार हो रहा है? इसमें मटन रोस्ट तैयार हो रहा है। अच्छा, मटन रोस्ट, तो इसको कितनी देर लगती है कुकर में? इसमें लगते हैं 40-45 मिनट लग जाते हैं। 40-45 मिनट में जो मटन तैयार हो जाता है? जबरदस्त, मतलब इतनी जल्दी मटन रोस्ट तैयार हो जाता है यहाँ पर इस मदीना रेस्टोरेंट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फुल आग के कढ़ाई के शस्त्र यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पे गर्म गर्म से जो कढ़ाई बनाई जा रही है इसी वजह से इस जबरदस्त कढ़ाई में फ्लेवर आ जाता है, स्मोकी फ्लेवर जो कि बहुत अच्छा लगता है जब आप खाते हैं। यही खासियत है पिशावर वालों की पिशावी कढ़ाई में, जो कि कराची वालों के लिए बनाई जा रही है यहाँ पे। हबीबुल्लाह क्या बोलते हैं कढ़ाई के बारे में? पिशावरी कढ़ाई सिर्फ पिशावर वाले पारा नदर कराची वाले पारा हम दारा से करा। भाई वाह, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हसन जैद। तो आप अफगानी हो? नहीं, पठान। पठान और अफगानी बोटी लगा रहे हो यहाँ पर? यार जी दामंग द पोख्ता नो द कराची वाले फारा लगो। अच्छा दोस्तों, इन्होंने पश्चिम में बोला है, मैं आपको इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर दूं कि इन्होंने बोला है अफगानी बोटी पठानों के स्टाइल में कराची वालों को खिला रहे हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप यहाँ मदीना रेस्टोरेंट का सिजलिंग कबाब जो कितना जबरदस्त लग रहा है और कितनी जबरदस्त इसमें सिजलिंग साउंड आ रही है, सिजलिंग स्मोक आ रहा है, और मैंने नहीं देखा कि इतना जबरदस्त फुली लोडेड जिसमें आपको इतने जबरदस्त मसाला मिलता है, साथ में बीफ के कबाब मिलते हैं, ऊपर से गार्निशिंग की जाती है चीज की और साथ में बारबेक्यू वेजिटेबल की। तो ये जो सिजलिंग कबाब है ये सिर्फ और सिर्फ आपको मिल रहा है बहुत ही कम कीमत में, सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये में, जो कि कराची में किसी भी रेस्टोरेंट पे नहीं मिलता, वो आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ मदीना रेस्टोरेंट पे। तो दोस्तों मैं आपको इसकी लोकेशन बता दूँ, जो आप सामने रोड देख रहे हैं ये 5-star फूड स्ट्रीट खिलाता है, ये सामने लंडी कुत्ता चुटंगी से आ रहा है और जा रहा है 5-star की तरफ। जब आप इधर से जाएंगे तो वहीं पे आपको ये रेस्टोरेंट मिल जाएगा जिसका नाम है मदीना रेस्टोरेंट, और यहीं पे हमें मिलने वाले हैं हमारे जबरदस्त ये प्लेटर।
दोस्तों ये है वो प्लेटर जो कि मदीना रेस्टोरेंट ने पिशावरी स्टाइल में कराची वालों के लिए लॉन्च कर दिया है साल के आखिर में बिल्कुल, ताकि लोग सर्दी के मौसम में उनकी जो मजेदार प्लेटर्स है लुत्फानंदोज हो सके। मैं आपको इसमें फिर से इसमें आइटम बता दूं, इसमें आपको मिलती है बहुत ही जबरदस्त चिकन कढ़ाई जिसके नजारे आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त लग रही है। उसके अलावा ये है इस प्लेटर में जो मिलता है आपको यहाँ का बहुत ही लजीज चरसी टिक्का जो कि इतना जायकेदार होता है। ओए होए होए होए, जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा हाथ लगाने से ये टूट रहा है, ये मज़ेदार सा मदीना रेस्टोरेंट का चरसी टिक्का। दोस्तों ये देखें, ये है मदीना रेस्टोरेंट की अफगानी बोटी जो कि पिशावरी स्टाइल में कराची वालों के तैयार की जाती है। कितनी जूसी, कितनी जबरदस्त लग रही है, इसका स्टाइल ही देखें आप कि इतनी जबरदस्त लग रही है। जब आप इसको खाएंगे तो फिर क्या मज़ा आने वाला है आपको वो आप सोच ही सकते हैं। फिर बहुत ही जूसी, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा हाथ लगाने से टूट रही है यार, जबरदस्त यार। ये मदीना रेस्टोरेंट की स्पेशल पेटर में ये चपली कबाब तो आप देखें कितना जबरदस्त है और कितना जूसी और टेंडर्स है, जैसा कि आप इसको देख सकते हैं इसकी लुक कितनी जबरदस्त है। जो ओरिजिनल ऑथेंटिक चपली कबाब होता है वो मिल रहा है आपको यहाँ पर मदीना रेस्टोरेंट की जबरदस्त प्लेटर में। चपली कबाब तो आपने वाकई में बहुत सारे खाए होंगे, लेकिन इसका मज़ा और जो इसका टेस्ट है वैसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों दूसरा आइटम इतने समझ से, लेकिन आपको इस प्लेटर में मिलती है चिकन की कढ़ाई भी जो कि पिशावरी स्टाइल में तैयार की जाती है, और इसके आप जायका देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जबरदस्त है। और ऐसी कढ़ाई तो आप ढूंढते हैं कहीं हाईवे वगैरह पे जाके आपको कढ़ाई मिल जाए, लेकिन आपको कढ़ाई के साथ ये पूरी प्लेटर मिल रही है तो फिर कहने ही क्या ये मदीना रेस्टोरेंट की स्पेशल प्लेटर के बारे में। कितनी ज़बरदस्त है यार, ये आप मदीना रेस्टोरेंट में सिजलिंग कबाब के नज़ारे तो देखें, जब इसको तैयार किया जा रहा था जो इसमें से स्मोक उड़ रहा था वो इतना जबरदस्त था, तब से मेरा दिल चाह रहा था कि बस इसको फौरन से बस झटपट से टेस्ट करूं। तो ये है यहाँ का मदीना रेस्टोरेंट का सिजलिंग चीज़ी कबाब जो कि इस प्लेटर में तो नहीं मिलेगा, लेकिन अलग से इसकी प्राइस बहुत कम है जो कि सिर्फ 700 रुपये। बहुत ही जबरदस्त है, स्पाइसी लेवल इसका बहुत अच्छा है, और जो बीफ है जो कबाब है वो काफ़ी टेंडर और जूसी सा है। जब आप इसको खाएंगे तो वाकई में आपके मुंह में जायकों का ब्लास्ट होगा, बहुत जबरदस्त है। अच्छा दोस्तों ये जो सीजनिंग कबाब है मदीना रेस्टोरेंट का, ये आपको दो फ्लेवर में मिलेगा जिसमें चिकन और बीफ, जो भी आप पसंद करके लेना चाहें वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो यार वाकई में बोलना चाहूँगा मदीना रेस्टोरेंट का टेस्ट है वो बहुत जबरदस्त है, जो एक ओरिजिनल ऑथेंटिक पेशावरी अफगानी खानों का होता है जो कि कराची वाले ढूंढते और तरसते हैं ऐसे खानों को खाने के लिए, वो आपको मदीना रेस्टोरेंट मिलता है। सबसे बढ़ के जो इतने जबरदस्त आइटम है उनकी कीमत बहुत ज़्यादा मुनासिब रखी गई है ताकि हर बंदा आके यहाँ पर इसको अफोर्ड कर सके और इनके मज़ेदार जायकों से लुत्फानंदोज हो सके। तो मुझे तो यहाँ की प्लेटर बहुत अच्छी लगी, आप कब आ रहे हैं इसको खाने के लिए? तो फिर मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मैं आपके लिए और भी मज़ा ले सकें, व्लॉग लेकर आता रहूँ। तो फिर आज का व्लॉग इधर एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।